हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसबीसी किचन। दोस्तों, नवरात्रि चल रहा है। अभी नवरात्रि पर हम सादा खाना खाते हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको बढ़िया सा सादा खिचड़ी का रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये खिचड़ी बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगा, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा इस वीडियो को प्यार भी दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना नवरात्रि स्पेशल खिचड़ी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सा रेसिपी शेयर करूंगा। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में हम लोग मैक्सिमम लोग ये वेज खाना प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए अब झटपट वेज खाना हो तो आप ऐसे खिचड़ी बना सकते हैं जो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप एकदम कम इंग्रेडिएंट के साथ इसको बना सकते हैं। तो इसी रेसिपी को आज मैं शेयर करूंगा और ये खाने में बहुत ही लाजवाब रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। मैंने ये सारा सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैंने ले रखा है। यहाँ पर मैंने दाल को भिगा के रखा है, मसूर का दाल है ये। इसके बाद थोड़ा गाजर कटा हुआ है मैंने, और इधर बीन्स और आलू को कट के रखा है मैंने, और इधर को जो नुनिया चावल कहते हैं हम लोग, उसको मैंने यहाँ सोख करके रख दिया है। ये चावल यूज़ करने से आपका खिचड़ी का टेक्स्चर बहुत ही बढ़िया बनकर आता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा टमाटर भी मैंने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास है देसी घी, और ये बहुत ही बढ़िया देसी घी है गांव का, जो अभी मैं इस खिचड़ी में इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, इसी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ अभी मैं बनाने जा रहा हूँ खिचड़ी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने गैस पे बर्तन टिका दिया है। अभी हम थोड़ी देर में इस पे जो सामग्री हमने लिया है खिचड़ी के लिए, उसको अच्छे से पकाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये घी जो है ज़्यादा फ्लेम पे आपको डालने से बर्न हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा फ्लेम को लो करके इसको डालिएगा, वरना आपका ये घी जल सकता है। अभी ये घी पिघल गया है, अभी हम इसमें एक एक करके सब्जी डालेंगे और चावल को अच्छे से इसमें भुनेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ आलू और बीन्स को इधर, उसके बाद जाएगा गाजर इधर। अभी हम चलाएंगे इसको अच्छे से। थोड़ा सा फ्राई कर देंगे इसको। अभी हम गैस का फ्लेम भी थोड़ा बड़ा कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से भुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से भुन रहा है। अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा चावल डाल देंगे। अभी ये गया चावल हमारा। इतना सा चावल से आपका 3-4 जन के लिए खिचड़ी आराम से बन जाता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप भी बनाइएगा अपने घर पे, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाता है। चावल को अच्छे से भुनेंगे अभी हम इधर। देखिए, ये बिल्कुल ही सादा खिचड़ी बन रहा है दोस्तों। इसमें कोई भी स्पाइसेस मैं नहीं डाल रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है, जैसे भी मैंने पहले भी कहा था आपको। तो अभी हम इसको अच्छे से भुनेंगे। अभी इसको हम अच्छे से अभी मैं डाल रहा हूँ जो भिगावा हुआ दाल, और दाल डालने से खिचड़ी का जो रंग रूप सब बदल जाता है। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि दाल, अपना मनपसंद दाल आप इसमें डाल सकते हो, और इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। टाइम टू टाइम इसको चलाना भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये चिपक जाता है नीचे, तो इसको थोड़ा चलाते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो आपका ये जल सकता है फ्लेम तेज करने के बाद। अभी मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ टमाटर। टमाटर भी मैं डाल के इसके साथ ही पकाऊंगा। चला दिया है अच्छे से दोस्तों। अभी थोड़ा हल्दी डाल देंगे इसमें, थोड़ा हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, इतना सा ही। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ड्राई चिल्ली भी डाल सकते हैं, जो सूखा ड्राई चिल्ली रहता है उसको भी आप डाल सकते हैं। इसको चलाएंगे अच्छे से। देखिए थोड़ा चिपकने लगा, इसीलिए इसको लगातार चलाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो खिचड़ी है नीचे से जल जाता है और अच्छे से ऊपर से नहीं पक जाता है।
तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ इधर, नमक बाद में अपना टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट ये चावल भी भून चुका है, अभी हम इसके ऊपर से पानी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से पक गया है, अभी हम इसके ऊपर से मत जस्ट अच्छे से वो डाल देंगे पानी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों मैंने पानी भी इसमें सफिशिएंट डाल दिया है, अभी अच्छे से इस पानी के साथ पकेंगे। अभी हम इसको ढक के पकाएंगे अच्छे से और थोड़ी देर बाद हमारा ये खिचड़ी है बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अभी हम इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये पक जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं देखना कि खिचड़ी कहाँ तक पक गया है। इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा है अभी, आप देख सकते हो। अभी हम इसको अच्छे से चलाएंगे, देखिए खिचड़ी अच्छे से पक रहा है और देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल ये अच्छे से पक रहा है, अभी पकने में थोड़ा देर और है। अभी वेजिटेबल्स जो हमने डाला था वो भी अच्छे से पक गया है, लेकिन ये राइस का ग्रेन है वो अभी तोड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, इसको और टूटना चाहिए तभी इसका खिचड़ी का स्वाद अच्छे से आएगा। अभी हम इसको थोड़ा पकने देंगे और उसके बाद हमारा खिचड़ी रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देखते ही देखते अभी खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देखिए ये अच्छे से पक गया है अभी। खिचड़ी बहुत ही अच्छे से पक गया है दोस्तों, देखिए ये बहुत बढ़िया बन गया है हमारा खिचड़ी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने जैसे बोला है कि यदि चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दोस्तों खिचड़ी रेडी हो गया है, देसी घी में पका हुआ खिचड़ी एकदम रेडी हो चुका है। अब इसको गर्म गर्म हम सर्व कर सकते हैं, तो इससे खा के आप अपना व्रत भी तोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।